हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इफ्तार स्पेशल अंडे के भजिए और मिक्स वेजिटेबल के भजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम भजिए बनाने के लिए बेसन को घोल लेंगे। पहले हम डालेंगे पानी। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब डालेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडे से पकोड़े नरम बनेंगे। अगर कुकिंग सोडा ज़्यादा डालेंगे तो पकोड़े बहुत ही आयली हो जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले पानी में अच्छे से घुल जाएँ। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बेसन। मैं 4 अंडों के भजिए बनाने के लिए बेसन को घोल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बेसन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। उसी हिसाब से नमक और मिर्ची को भी कम या फिर ज़्यादा कर लीजिए। तकरीबन मैंने इसमें 6 टीस्पून बेसन डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते हुए इसका स्मूथ बैटर बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पकोड़े बहुत ऑयली हो जाएंगे, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसे घुमाते हुए अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ बैटर बनाएंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका स्मूथ बैटर बनने तक हम इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी छोटे लम्स बचे हुए हैं वो भी अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाएं। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4 अंडों को बॉयल करने के बाद मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अंडों पे थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अंडों पे नमक और मिर्ची तो डाल दिया है, अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। बेसन को भिगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ने की वजह से इसका बैटर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसमें जो भी लम्स थे वो भी डिजॉल्व हो चुके हैं। अब इस बैटर में डालेंगे अंडा और इस तरीके से इसे अच्छे से कोट करेंगे। इसके सारे साइड्स अच्छे से बेसन लगनी चाहिए, वरना ये तेल में डालने के बाद अंडा फटेगा और तेल ऊपर उछलेगा। बहुत ही एहतियात से इसे अच्छे से कोट करेंगे। गैस पर तेल मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे बेसन में डिप किया हुआ अंडा। एक एक कर सारे पीसेस को बेसन में अच्छे से डिप करेंगे और इसे डालेंगे तेल में। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म होनी चाहिए। मैंने 1 अंडे के 6 पीसेस किए हैं। आप चाहे तो 4 पीस भी कर सकते हैं। अंडे के पीस को बेसन से अच्छे से कोट करके तेल में डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका शेप भी बिगड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत ही एहतियात से बेसन में डिप करेंगे, इसे तेल में डालेंगे। गैस का फ्लेम भी हम हाई रखेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तेल में एक साथ बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखकर ही इसमें हम सारे पीसेस डालेंगे। 30 से 40 सेकंड तक इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब हम इसे पलटेंगे। अंडों को पलटने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए, अंडों के भजिए लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। जो भी साइड गोल्डन कलर का नहीं हुआ उसे पलटेंगे, उसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अंडे के भजियों को हरी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे इफ्तार में भी खा सकते हैं या फिर स्टार्टर्स में भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे तेल से निकालेंगे। इसी तरीके से बचे हुए भजियों को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे अंडों के भजिए फ्राई कर लिए हैं। अब इसका जो भी बैटर बचा है उसे यूज़ करते हुए हम मिक्स वेजिटेबल के भजिए बनाएंगे।
अब इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून बेसन। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग सोडा डाल सकते हैं। मैं अंडे के भजियों का बैटर यूज़ कर रही हूँ, इसी वजह से इसमें कुकिंग सोडा नहीं डालूँगी। अब डालते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। अगर सिर्फ मिक्स भजियों के लिए ही बेसन घोल रहे हों तो इसमें 1 पिंच कुकिंग सोडा डालेंगे। इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे आमलेट कट प्याज, फाइनली चॉप कैरेट डालेंगे। अब डालते हैं फाइनली चॉप बीन्स, हस्बे ज़रूरत फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज डालेंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें बंद गोभी या फिर फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे भजिए। मैं इस तरीके से छोटे भजिए बनाना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो भजियों का साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखकर ही हम इसमें भजिए डालेंगे। फ्लेम हाई रखकर इसमें भजिए डालने के बाद तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इसे बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, ताकि ये भजिए अपना प्रॉपर शेप ले सके। तेल में भजियों को डाले हुए 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसे पलटेंगे। एक बार सारे भजियों को अच्छे से पलटने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। इसका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम और थोड़ी देर हाई फ्लेम करके इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। आज के इफ्तार स्पेशल रेसिपीज आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर भी इसे फ्राई करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स कच्चे ना रहें, अंदर से अच्छे से पक जाएं। भजियों की ऊपर की लेयर क्रिस्पी करने के लिए इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भी फ्राई करेंगे। मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल के भजियों को आप हरी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे तेल से निकालेंगे। इसी तरीके से बचे हुए भजिए भी फ्राई कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।